ले लीजिए भाई साहब, मेरे पति अंदर है, जैसा मैंने आपसे कहा था उन्हें वहां पहुंचा दीजिएगा। आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें ले जाता हूं। क्षमा कर दीजिएगा, दरवाजा खोलो। तुम जाओ। आपको अकेला छोड़कर? हाँ अकेला छोड़कर। लेकिन बीवी जी ने तो कहा। मैंने कहा ना तुम जाओ। ये कहाँ है? कोठा नहीं, निकल जाओ यहाँ से। ए मिस्टर, तमीज से बात करो। हमने मुझे सुनने की पूरी कीमत अदा की है। क्यों तारा भाई? ये हमारे मेहमान है। बेवफा औरत, मैंने तो अपनी दौलत को अपने आप को तुम पे लुटाया था। मगर अब क्या बचा है तुम्हारे पास? दौलत तुम्हारे पास है नहीं और लंगड़े तुम हो चुके हो। चिल्ला मत। नहीं तारा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जिंदगी भर मेरा। मैं एक मुजरे वाली हूँ, तुम्हारे सुख के साथ ही। तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो दुख में भी तुम्हारा साथ दूं। चले जाओ यहाँ से। नहीं तारा, रुक जाओ तारा। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। सारा मजा खराब कर दिया उस लंगड़े ने। अब शुरू हो जाओ तारा भाई। माफी चाहती हूँ, आप लोग तशरीफ ले जाइए। आज तारा मर गई बाबूजी, अब दुर्गा नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं एक मुजरे वाली हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो दुख में भी तुम्हारा साथ दूँ। दुर्गा ही तारा है। तारा दुर्गा है? याद करो, पैसे ना मिलने की वजह से जिसके घर तुमने बारात लाने से इनकार कर दिया था, दुर्गा अपने उसी अपमान का बदला ले रही थी तुमसे। और आज जब उसे पता चला कि जो तुम्हें उसके पास लाती रही है वो नौकरानी नहीं तुम्हारी पत्नी है, तो वो अपना सारा बदला भूल गई। उसने तुम्हें घर से निकाला ताकि तुम अपनी पत्नी रेखा के पास जा सको। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आज 8 दिन से उसने खाना तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं पी। तुम ठीक हो जाओ, उसके लिए मरण व्रत रखे बैठी है वो। पता नहीं वो बेचारी अब जिंदा भी है या अब मर गई। नहीं, नहीं रेखा,
मुझे मेरी रेखा के पास ले चलिए। बस अब आप रहने दीजिए, मैं रेखा के पास अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपनी रेखा के पास अपने आप चला जाऊंगा। तेरी सहनशीलता, तूने दुनिया को दिखा दिया कि आत्मविश्वास से इंसान को ही नहीं भगवान को भी जीता जा सकता है। बस जीते रहो बेटे, आओ चलो। बेटी हमें माफ कर दो, माफ कर दो भाभी। अरे नहीं, मैं परमेश्वर नहीं, सिर्फ पति हूं।